है बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? किमिंग, अमित कुमार, अमित कुमार, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त। ऑडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो आ रहा होगा, चेक करो बेटा, चेक करो एक बार। वीडियो आ रहा होगा यार, वीडियो आ रहा होगा, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। देवांजन गेमिंग, वेरी गुड इवनिंग। वीडियो आ रहा होगा दोस्त, एक बार चेक करो प्लीज। क्लियर है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। चले तो हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे क्लोजर प्रॉपर्टीज पे। जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वेरी गुड इवनिंग टारगेट प्लेसमेंट और करण, वेरी गुड इवनिंग यार। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टी? राइट क्वेश्चन एंड लेफ्ट क्वेश्चन। अनदर प्रॉपर्टी इज इन इट प्रॉपर्टी, इन इट। सो इन इट इज नथिंग, इन इट इज नथिंग, इन इट इज नथिंग। इट जनरेट ऑल द प्रीफिक्सेस ऑफ अ स्ट्रिंग। क्लियर है? सो रेगुलर लैंग्वेज इज ऑल्सो क्लोज अंडर द इन इट ऑपरेशन। रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर इन इट ऑपरेशन। इन इट रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड अंडर इनिट ऑपरेशन। तो इनिट ऑपरेशन क्या है? इनिट ऑपरेशन कुछ नहीं है, लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग का आपको प्रीफिक्स लेना है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि प्रीफिक्स किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का वो आता है तो वो क्या होती है? रेगुलर होती है। क्लियर है? इनिट ऑपरेशन हो गया। इसके बाद मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, कुछ और लिख दे रहा हूं, उनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखना, प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्रीफिक्स ऑफ एल, प्रीफिक्स ऑफ एल। सेकंड है इन सफिक्स, सफिक्स ऑफ एल। ठीक है, थर्ड है साइकिल। इन सबके प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये मतलब बस सिर्फ आप याद रखिएगा बस। मिन ऑफ एल, मैक्स ऑफ एल, मैक्स ऑफ एल। सेवन है आपका हाफ ऑफ एल, सेवन आपका सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस तो सब में क्लोज्ड है, इन सब में क्लोज्ड है, सब में क्लोज्ड है, सब में। और सीएफएल जो है, सीएफएल जो है वो मिन मैक्स और हाफ में, मतलब सीएफएल जो है वो यहां क्लोज है, राइट लगा रहा हूं, इसका मतलब क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है। इसमें क्लोज नहीं है, इसमें क्लोज नहीं है, इसमें क्लोज नहीं है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। नाउ वी हैव सम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज इन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, विल सी लेटर। ओके, इतना क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है मेरे बच्चे? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? इतना क्लियर है? फिर आगे मूव कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं, इतना क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे पहले रिवर्सल ऑपरेशन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस।
सबसे पहला है मेरा रिवर्सल ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन। मुझे ये चेक करना है कि ये क्लोज्ड अंडर सीएफएल है कि नहीं, मतलब अगर क्या मतलब इसका, इफ आई हैव ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एल एंड वी वांट टू रिवर्स दिस, देन रिजल्टेंट लैंग्वेज इज सीएफएल और नॉट। क्लियर है? अगर मेरे पास कोई लैंग्वेज है सीएफएल लैंग्वेज है और मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, मैं अगर उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं रिवर्सल लेता हूं, तो वो लैंग्वेज सीएफएल होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सा है, सिंपल सा है। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसका प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करना है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे करेंगे देखिएगा, लैंग्वेज एल है, ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इज द सीएफएल लैंग्वेज। इफ आई टेक रिवर्स ऑफ दिस, तो रिवर्स क्या होगा, बी की पावर एन ए की पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यार ये भी तो सीएफएल है ना, ये भी तो सीएफएल है, ये भी सीएफएल है, ये भी सीएफएल है। तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा इसको, देखो इसके लिए ग्रामर क्या होगी, ए एस बी एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर मुझे रिवर्सल लेना है तो रिवर्सल क्या होगा, बी एस ए एप्सिलॉन, ये भी तो यार सीएफएल सीएफजी है, ये भी तो सीएफजी है। क्लियर है? सीपी 107 जय महाकाल सरोज, वेरी गुड इवनिंग यार। तो पहला ऑपरेशन क्लियर हो गया, तो लिख लें यहां कि सीएफएल इज क्लोज्ड अंडर रिवर्सल ऑपरेशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्रखर कांत साहू, वेरी गुड इवनिंग यार। क्लियर है रिवर्सल ऑपरेशन? क्लियर है मेरे बच्चे? रिवर्सल ऑपरेशन सबको क्लियर है? ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको रिवर्सल ऑपरेशन क्लियर नहीं हो? चलिए नेक्स्ट है कंकैटिनेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कंकैटिनेशन ऑपरेशन। कंकैटिनेशन ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन इज कंकैटिनेशन। मान लीजिए दिस वन इज एल वन एंड दिस इज एल टू, बी की पावर एन ए की पावर एन, बोथ आर सीएफएल। इफ आई कंकैटिनेट एल वन विथ एल टू, एल वन विथ एल टू, देन व्हाट इज द लैंग्वेज, What is the language? Or I'll write here. Suppose take another example. L2, C की power m, D की power m. This is the regular. Sorry, this is CFL. Okay. So L1 concatenation L2 क्या होगा? A की power n, B की power n, C की power m, D की power m. Such that. N M greater than equal to zero. So this is also CFL. This is also CFL. ये CFL है, ये CFL है, ठीक है। तो और प्रूफ करने का तरीका क्या है भाई? इसके लिए ग्रामर क्या होगी? G1। और इसके लिए ग्रामर है मान लीजिए G2। मेरे पास ओरिजिनल ग्रामर मुझे बनानी है इस L के लिए, तो G1 क्या हो जाएगा, G क्या हो जाएगा, G1.G2। तो दिस वन इज ऑल्सो सी एफ जी। तो कंकैटिनेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सी एफ एल लैंग्वेजेस। क्लियर है बेटा? दिस वन इज क्लियर? ये क्लियर है मेरे बच्चे?
ये क्लियर है मेरे बच्चे? अभी डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना, मैं पंपिंग लेमा वाला भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर पंपिंग लेमा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। आप देख लेना यूट्यूब पे कोई नहीं कवर कराएगा, मैं ये पूरा पंपिंग लेमा बहुत अच्छे से आपको डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि लास्ट टू ईयर से मैं देख रहा हूँ, लास्ट टू थ्री ईयर से पंपिंग लेमा के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लास्ट में इसको पूरा कवर करेंगे, पंपिंग लेमा भी पूरे से अच्छे से कवर करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है मेरे बच्चे? बहुत इजी है, क्लियर है यहां तक? पंपिंग लेमा भी मैं पूरा क्लियर करूंगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस आपका साथ होना चाहिए। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन। क्लियर है बेटा? आगे चले, आगे चले। आगे चले बच्चा, जल्दी बताओ आगे चले कि नहीं? मेरे साथ होने का मतलब है, आप मेरे साथ होने का मतलब क्या है कि आप क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन क्या होगा? सपोज आई हैव टू लैंग्वेजेस L1 एंड L2, बोथ आर CFL, बोथ आर CFL। इफ आई अप्लाई यूनियन बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस, देन वट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट इज L एंड इट इज ऑलवेज CFL, ऑलवेज CFL। हाउ टू प्रूव दिस? सपोज फॉर दिस वी हैव अ ग्रामर G1, and for this we have a grammar G1, G2. Now make grammar for this one. What is the grammar? G drives G1, either this one or this one. So we have two choices. That's why this one is non-deterministic. So ये आपकी कैसी होगी? Context free होगी ये. Clear है? So union is all closed under, union is closed under CFL. clear हो गया बच्चे? clear हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? सबको क्लियर हो गया? यूनियन ऑपरेशन क्लियर है? क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ओके। तो वी हैव लैंग्वेज L1 एंड L2, दिस वन इज CFL and this one is also CFL. If I apply intersection between them, then what will be the result? What will be the result? See, can't say anything, kuch nahi keh sakte, kuch nahi keh sakte ki wo CFL hoga ki नहीं होगा। कैसे? देखिएगा, मेरे पास लैंग्वेज L1 है, A की पावर N, B की पावर N, C की पावर M, सच दैट N M ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ये लैंग्वेज L1 है एंड आई हैव लैंग्वेज L2 A की पावर N, B की पावर M, C की पावर M, such that N M greater than equal to 1. Both are CFL. Both are CFL. If I apply L1 intersection L2, so what is L1 intersection L2? A की पावर N, B की पावर N, C की पावर N. This is not a CFL. Not a CFL. ये कैसा है? CSL है. Context sensitive language है. आगे हम देखेंगे कैसे पता करते हैं. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? कि intersection operation not closed under CFL. क्लियर है भैया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चे? दिस ऑपरेशन इज क्लियर टू यू? इज दिस ऑपरेशन इज क्लियर टू यू? यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं? जिससे मैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलता हूं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. देखिएगा, मैंने मान लिया L1 CFL है और L2 CFL है. बोथ आर CFL, बोथ आर CFL, बोथ आर CFL. मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता रहा हूं, फिर प्रूफ भी कर रहा हूं. कॉम्प्लीमेंट नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर CFL. नॉट क्लोज्ड का मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी. अब अगर मैंने एक भी ऐसा प्रूफ कर दिया कि मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया और वो CFL नहीं आया, CFL नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे? कि नॉट क्लोज्ड है. क्योंकि अगर क्लोज्ड कह दिया, इसका मतलब क्या है कि हर लैंग्वेज के लिए वो क्लोज्ड होगा CFL में. तो देखिए, ये दोनों CFL है. मैंने इसके ऊपर यूनियन अप्लाई किया, यूनियन भी क्या होगा? CFL. मैं ज़ूम करके चल रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो CFL है, ऐसा मेरा अजम्पशन है. और अगर मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन ले आया, तो मैं ये कह दूंगा कि नॉट क्लोज्ड. तो फिर मैंने क्या किया, इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट. तो मैंने क्या एज्यूम किया था, ये CFL है और ये भी CFL है. लेकिन अगर मैं दो CFL के बीच इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूं, तो ये तो CSL आ जाता है, CFL नहीं आता है. मैंने देखा था ना एक लैंग्वेज में, पिछले वाले में, तो इट मे और मे नॉट बी CFL, इट मे और मे नॉट बी CFL, मे और मे नॉट बी CFL. ये तो CSL आ गया. इसका मतलब क्या होगा कि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने जो एज्यूम किया था वो फॉल्स हो गया. इसलिए मैंने यहां कहा आपसे कि नॉट क्लोज अंडर द CFL. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन नॉट क्लोज अंडर द CFL. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं. जल्दी से बताएं बच्चा, क्लियर है ये? जल्दी से बताइए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन. नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन विथ रेगुलर. यूनियन विथ रेगुलर,
यूनियन विथ रेगुलर मतलब क्या है इसका, देखिएगा क्या मतलब है, क्या मतलब है कि एक लैंग्वेज है L1 जो रेगुलर है और एक लैंग्वेज है L2 जो CFL है। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं यूनियन तो जो लैंग्वेज L आएगी ऑलवेज CFL, ऑलवेज CFL। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। सपोज L1 इज A की पावर N, B की पावर M, सच दैट N M ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कैसा है बच्चा, ये कैसा है, रेगुलर है। L2 मैंने लिया L2 क्या ले लें अपन, कुछ भी ले लो L2, कुछ भी ले लो L2 ले लिया हमने, A की पावर N, B की पावर N, ठीक है। तो जो यूनियन आएगा, यूनियन आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा CFL आएगा ना, CFL आएगा, यस और नो, CFL आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर। तो L1 मैंने मान लिया रेगुलर है और L2 जो है वो CFL है, CFL है। तो देखिए आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो L क्या आएगा, A की पावर N, B की पावर N, सच दैट N ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये कैसा है, CFL है। तो ऑलवेज CFL, ऑलवेज CFL। N मैंने सिर्फ L2 में A की पावर N, B की पावर N ले लिया है, M नहीं है L2 में, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। तो इंटरसेक्शन विथ रेगुलर इज ऑलवेज CFL, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर मतलब अगर मैं CFL और रेगुलर का इंटरसेक्शन करता हूं तो ऑलवेज क्या देगा, ये आपको CFL देगा, ऑलवेज आपको CFL देगा। L2 में M लिख दिए हैं कहां पे, अच्छा वो गलती से लिख गया यार, टाइपो मिस्टेक है, ये टाइपो मिस्टेक है यार, गलती से लिख गया वो, गलती से लिख गया बच्चे, इतना तो अंडरस्टूड है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो, क्लियर, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट ऑपरेशन, सेट डिफरेंस विथ रेगुलर, सेट डिफरेंस विथ रेगुलर, रेगुलर ऑलवेज CFL, ऑलवेज CFL। देखिएगा क्या, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CFL माइनस रेगुलर ऑलवेज CFL, ऐसा मत कर देना आप, ये मत कर देना, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, क्लियर फ्रेंड्स। क्लियर हो गया, तो बेटा ये आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री वाला चैप्टर, CFL वाला चैप्टर फिनिश हो गया।
CFL वाला चैप्टर फिनिश हो गया. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. ये आपका CFL वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया. इसके बाद आपका ट्यूरिंग मशीन और डिसाइडेबिलिटी बचा हुआ है. ट्यूरिंग मशीन और डिसाइडेबिलिटी बचा हुआ है. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जल्दी कीजिए. ये आपका CFL वाला चैप्टर खत्म हो गया है. अच्छा एक चीज और, सिंपली आप कैसे पहचानेंगे कि ये DCFL है या CFL है? तो देखिएगा, जहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पुश करना है कि पॉप करना है, पुश करना है या पॉप करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो DCFL की कैटेगरी में आएगी, और जहां आपको कंफ्यूजन है वो CFL की कैटेगरी में आ जाएगी. सर अभी तक क्लास है, मतलब टारगेट प्लेसमेंट क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया. टारगेट प्लेसमेंट क्या बोला आपने बेटा, मुझे समझ में नहीं आया कि सर अभी तक क्लास है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जल्दी डाउट नहीं है किसी को? तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं. सर PYQ में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछ लूंगा. भाई मैं सारे PYQ कराऊंगा, डोंट वरी, हम सारे PYQ करेंगे, डोंट वरी, नहीं टेंशन लेना है. चैप्टर वन कहीं दिख रहा है? चैप्टर वन कहाँ है? चैप्टर टू है ये, चैप्टर थ्री है, चैप्टर फोर है, चैप्टर फोर है, चैप्टर वन कहाँ है? आई थिंक नहीं, नो नो नो, दिस सॉरी, टॉपिक ये होगा. यस, इसमें पहला चैप्टर है डीएफए के क्वेश्चन है. तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन जो है वो आईआईटी कानपुर का है. और इस बार भी कौन पेपर बना रहा है? आईआईटी कानपुर. तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है आपको. टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्व कीजिएगा बेटा. और मैं इसमें और भी पॉसिबल वे बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं. गगन गुप्ता ने आंसर भी दे दिया, डी, वेरी गुड. गगन गुप्ता ने आंसर भी दे दिया, डी, वेरी गुड गगन. बाकी लोग बताएं, सबका डी आ गया. चलिए वेरी गुड. चलिए हम कुछ कंक्लूजन देखते हैं. देखना यार, ये टीओसी आपकी एक स्ट्रिंग है, तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितने होंगे? एप्सिलॉन TOC, TOOC और TOC. ओके, ध्यान से समझिएगा. आईटी कानपुर का, इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी में आपको एक्सप्लोर कर रहा हूं. कितनी आई? 7 स्ट्रिंग आई.
क्यों सेवन क्यों आई? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी हो सकती हैं? ये मैक्सिमम हो सकती हैं, इससे कम होंगी ज्यादा नहीं होंगी। कम कहां होंगी? देखिएगा, मैंने एक स्ट्रिंग ली मिनी, मैंने एक स्ट्रिंग ली मिनी, तो इसमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितनी होंगी? एप्सिलॉन एम आई एन, आई रिपीट हो रहा है, एम आई आई एन एन आई एम आई एन आई एन आई और एम आई एन आई, तो ये स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, तो उसको हटा दूंगा। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस आई। और अगर मैं इस फॉर्मूले में रखता तो कितनी आती? फोर इंटू फाइव डिवाइड बाई टू प्लस वन, यानी कि इलेवन। तो देखिएगा यहां ये फॉर्मूला गलत हो जाता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितनी आ सकती है? एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। कब? जब उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं होगा, कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होगा। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हुआ तो फिर उसमें n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन से कम आएंगी स्ट्रिंग्स। क्लियर है ये कंसेप्ट? क्लियर है बच्चे ये कंसेप्ट? क्लियर है बच्चा ये कंसेप्ट? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये आईटी खड़गपुर ने पूछा है ये क्वेश्चन। मैं जब एक बार आपको ट्यूरिंग मशीन करा दूंगा तब और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। इसका आंसर यस है, इसका आंसर यस है। जब हम एक बार ट्यूरिंग मशीन डिस्कशन कर लेंगे ना वहां के, भाई हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं, तो इसको मैं वहां डिस्कशन करूंगा। ओके, इसको मैं वहां डिस्कशन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। चलिए सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। यस, किसी का आंसर आया बेटा? किसी का आंसर आया? ए प्लस बी प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर डी। चलिए एल, देखिएगा इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश की है। ये क्या लिखा? एल इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो माय डियर फ्रेंड, एवरी लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इट कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द इनपुट अल्फाबेट, ओवर द इनपुट अल्फाबेट। तो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे सिग्मा स्टार की क्या होंगी? सबसेट होंगी। और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी होंगी? इतनी होंगी।
और जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो इसका सबसेट होंगे, इतनी चीज मुझे यहां से क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्स हैज ए इक्वल नंबर ऑफ एस एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस, इज रेगुलर। तो देखिएगा यार, सबसे पहले तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और उसके बाद इसमें कंपैरिजन हो रहा है, तो मुझे एक मेमोरी एलिमेंट की नीड होगी, वो मेमोरी एलिमेंट मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में तो है नहीं, तो ये रेगुलर तो है नहीं, तो भैया ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा आते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन, ए की पावर एन बी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यार ये भी तो इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और फिर इसमें कंपैरिजन है कि पहले कितने ए आए उसके बाद उतने ही बी आने चाहिए, तो ये भी नहीं है। एल इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स हैज मोर एज देन बीस, तो यार ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और इसमें भी कंपैरिजन हो गया कि भैया ए जो है वो बी से ज्यादा होने चाहिए, तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो रिमेंबर नहीं कर पाएगा, इसके लिए मुझे एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए, ऑक्सिलरी मेमोरी एलिमेंट, इनफाइनाइट मेमोरी एलिमेंट चाहिए स्टैक, तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट सीएफएल से कर सकता हूं, पीडीए से कर सकता हूं, रेगुलर नहीं है। दिस वन इज रेगुलर, दिस वन इज रेगुलर, इसके लिए सिंपल पीडीए हम बना देते हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ये लीजिए भैया ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। तो आपने अगर किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया या फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया तो वो ऑलवेज रेगुलर होगी। क्लियर है, क्लियर है भाई लोग? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट काउंटेबिलिटी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है, काउंटेबिलिटी नहीं पढ़ाई है, काउंटेबिलिटी वहां पढ़ाऊंगा, तो वो ये सारे मैं वहां नोट्स में बता दूंगा। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, 1998 का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा फास्ट। हेलो, जल्दी से कीजिएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कौन सा सेट जो है डीएफए से रिकॉग्नाइज। पहला ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ 1, 2, 4 विद रिटन इन बाइनरी, तो 1 को कैसे लिख सकता हूं 1, 2 को कैसे लिख सकता हूं 10, 4 को 100, 8 को 1000, इसके बाद 16 आएगा, 16 को 14 times 0 एंड सो ऑन। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, 10 star 10 star, तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया ना, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया ना, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, रेगुलर हो गया। अब आते हैं इस पे कि भाई रिटर्न इन यूनरी, तो 1, 2, 4 उसके बाद 8 आएगा, तो वी डोंट हैव एनी पैटर्न, ये कैसा है, ये कैसा है, इनफाइनाइट है, और मेरे पास कोई पैटर्न भी नहीं है कि मैं कहीं लूप लगा दूं, तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा।
द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच नंबर ऑफ जीरोस इज द सेम एज नंबर ऑफ वंस। तो फिर से ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और यहां कंपैरिजन हो गया कि भैया जीरो और वन जो है वो सेम क्वांटिटी में आने चाहिए, तो कंपैरिजन हो गया, तो ये भी रेगुलर नहीं है। नाउ सेट दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, सो वॉट इज दिस, वन की पावर एन जीरो, वन की पावर एन, सॉरी वन जीरो, यस दिस इज लाइक दैट, ये जो लिखा है ये कुछ ऐसा है, वन वन की पावर एन जीरो, वन की पावर एन, ये डबल वन था यहां, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है ना, ये ऐसा है, तो ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो से पहले जितने वन आ रहे हैं उतने जीरो के बाद आने चाहिए और इनफाइनाइट है, तो ये भी रेगुलर नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको, क्लियर है, जल्दी से बताएं क्लियर है कि नहीं। टारगेट प्लेसमेंट, गगन गुप्ता, अमित कुमार सिंह, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है जल्दी से बताएं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है, हाँ डीसीएफएल होगा, रेगुलर नहीं है, डीसीएफएल है रेगुलर नहीं है, डीसीएफएल है रेगुलर नहीं है, गगन उसने रेगुलर पूछा है ना, डीएफए बनाने को बोला है, तो डीएफए नहीं बना पाओगे आप, क्लियर है बेटा, देखिएगा टारगेट प्लेसमेंट गलत है बेटा, टारगेट प्लेसमेंट सुन, यस वी विल नॉट टेक एप्सिलॉन हियर, वी विल नॉट टेक एप्सिलॉन हियर, यहां क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं करना है, तो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, प्लस वन क्यों आता था एप्सिलॉन के कारण, तो इस प्लस वन को हटा दो तो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, हाउ मेनी सबस्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्लियर है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा बेटा, जल्दी कीजिएगा बच्चे, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो बताएं, जल्दी सॉल्व कीजिएगा, आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स, डी योगेश मालवीय का डी आया, गगन का बी आया है, प्लेसमेंट टारगेट का डी आया, बाकी
आकांक्षा का भी डी आ गया, वेरी गुड। चले चले चेक करते हैं क्या है। डी नहीं आएगा यार, डी नहीं आएगा, डी गलत है मेरे हिसाब से। एक बार सॉल्व कीजिए यार, एक बार सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व कीजिए एक बार ट्राई कीजिएगा। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग हूज लास्ट टू सिंबल्स आर सेम, हूज लास्ट टू सिंबल्स आर सेम, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमल स्टेट डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डी नहीं आएगा यार, डी नहीं आएगा। जिनका भी डी आ रहा है ना वो एक बार दो मिनट का टाइम लें, टेक टू मिनट्स और एक बार सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूं। नहीं आकांक्षा, टू भी नहीं आएगा बेटा। यस यस, यस बी होगा, यस बी होगा। बी क्यों होगा देखिएगा, अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाऊं तो क्या बनेगा, लास्ट टू सिंबल्स सेम होने चाहिए, तो या तो जीरो जीरो होंगे या वन वन होंगे, उससे पहले कुछ भी आ जाएगा। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखिएगा ये जीरो, ये जीरो, ये गया फाइनल स्टेट में, ये वन, ये वन, ये गया फाइनल स्टेट में, ठीक है। अब ये तो डीएफए है, ये इसने ये वाली स्टेट कंप्लीट है। अब इस स्टेट पे मुझे वन का ट्रांजिशन चाहिए, वन का ट्रांजिशन आएगा तो यहां दूंगा, ये भी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू दिस, जीरो आएगा तो यहीं और वन आएगा तो यहां पे। इस पे अगर जीरो आएगा, इस पे जीरो आएगा तो ये यहां जाएगा, और इस पे वन आएगा तो ये यहां रहेगा, और जीरो आएगा तो ये यहां चला जाएगा। ये डीएफए बनेगा यार इसका, ये डीएफए बनेगा। तो पांच स्टेट्स होंगी, पांच स्टेट होंगी, ठीक है ना। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर हो गया ना सबको, चलिए कीजिएगा ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। सर जी योगेश, अगर प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ है मैं बोल देता हूं, प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ है मैं बोल देता हूं, अभी बोल देता हूं। बोल दिया मैंने योगेश, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया प्रकाश भैया को, वो कर रहे हैं, मैंने बोल दिया इनको, मैंने इनको बोल दिया है। क्लियर है मेरे दोस्त, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, जल्दी से कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन में। अनन्या लाल वेरी गुड, सी क्या है, द रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो प्लस वन जीरो का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली एन, एग्जैक्टली एन, मोड ऑफ डब्ल्यू एग्जैक्टली एन, द मिनिमम स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, एन प्लस वन, एन प्लस वन। क्यों मिनिमम स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा का है, तो बाय डिफॉल्ट फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए होता है। अगर यही डीएफए दिया होता तो इसमें एन प्लस टू हो जाती। अगर कोई बच्चा इसको सुन के कंफ्यूज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एन देखिएगा, और इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा को बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करना है, एनएफए। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, दैट्स व्हाई आंसर इज बी।
क्लियर क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है सबको बेटा, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ मुझे क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीजिएगा ये क्वेश्चन। जल्दी से कीजिएगा बेटा, देखिएगा, वॉट कैन बी सेड अबाउट रेगुलर लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट है, हुज मिनिमल फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन हैज टू स्टेट्स। तो मुझे ऐसे ऑप्शंस चूज कर रहे हैं जिनका अगर मैं डीएफए मिनिमल डीएफए क्लियर कंस्ट्रक्ट करूंगा, देखिएगा यहां क्लियर लिखा हुआ है हुज मिनिमल फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, मतलब जिनका मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊंगा तो उसमें दो स्टेट्स आनी चाहिए। तो देखिएगा, L मस्ट बी ऑड, N मस्ट बी ऑड, तो N मस्ट बी ऑड के लिए ये बनेगा, ठीक है, N मस्ट बी इवन के लिए ये बनेगा, ठीक है, तो और इसके लिए तो एक ही स्टेट में काम हो जाएगा, सी वाले के लिए, ठीक, एक ही स्टेट में काम हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन यहां दिया हुआ है आइदर एल मस्ट बी दिस और एम मस्ट बी दिस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं है बेटा अनन्या लाल, सी नहीं है, सी के लिए तो बच्चे एक ही स्टेट बनेगी अनन्या, सी के लिए बच्चे एक ही स्टेट बनेगी, सी के लिए एक ही स्टेट बनेगी बच्चे, सी के लिए एक ही स्टेट बनेगी। चलिए नेक्स्ट, गॉट इट, वेरी गुड, नेक्स्ट दिस वन, आईटी कानपुर, देखिएगा फिर से आ गई भैया आईटी कानपुर, ऑब्जर्व करना है पैटर्न का, क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि देखिए एक तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वाला आ गया, एक इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो इनसे ही मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेगा। जल्दी कीजिए, ए करण का ए आंसर आया, बाकी लोगों का गगन का भी ए आ गया, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। चलिए देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट,
जीरो की पावर टू एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू इज रेगुलर. हाँ है ना रेगुलर यार, कैसे देखिएगा, एन इक्वल टू जीरो लिया तो सॉरी लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, जीरो की पावर टू, जीरो की पावर फोर, जीरो की पावर सिक्स. तो एक, दो एक्सेप्ट, तीन रिजेक्ट, चार एक्सेप्ट, पांच रिजेक्ट, छह एक्सेप्ट, ये बन गया, ये बनेगा भैया. ठीक है, अब ये वाला देखते हैं क्या ये रेगुलर है. जीरो की पावर एम, वन की पावर एन, जीरो की पावर एन और जीरो की पावर एम. यार ये तो सीएफएल हो गया, क्यों, जीरो को पुश कर दूंगा, फिर वन को पुश कर दूंगा, फिर जीरो से ये पॉप और जीरो से ये पॉप, तो ये सीएफएल हो गया, ये सीएफएल है. तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ओनली एस वन इज करेक्ट. तीन स्टेट होंगे, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, एस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्लियर है, ओनली एस वन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आईटी कानपुर, आईटी कानपुर मिल गया भैया, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी कानपुर. जल्दी से कीजिए, बी आंसर. योगेश मालवीय का बी आंसर आ गया, योगेश का बी आ गया. योगेश का बी आ गया, टू की पावर एन. साहिल दास का वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. सी गिवन एन आर्बिट्री नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एन स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इक्विवेलेंट टू मिनिमाइज डीएफए. अगर एनएफए में एन स्टेट है तो मैक्सिमम कितनी होती है, टू की पावर एन. आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा गया है, दो से तीन बार गेट में पूछा गया है. तो बी इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो ऑप्शन फॉर डाउट. देयर इज नो प्लेस फॉर डाउट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, कीजिएगा. अच्छा योगेश क्लास में भी बताया था, हाँ क्लास में मैंने नोट्स में बताया ना कि अगर आप एनएफए को डीएफए में कन्वर्जन करते हैं, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एनएफए इनटू डीएफए, इफ वी हैव एन स्टेट्स इन द एनएफए देन वी हैव मैक्सिमम टू की पावर एन स्टेट इन इक्विवेलेंट डीएफए. गगन का आंसर आ गया, टारगेट प्लेसमेंट का आंसर आ गया, योगेश मालवीय का आ गया, वेरी गुड यार. सी कंसीडर डीएफए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव नंबर ऑफ एस डिविजल बाय सिक्स, नंबर ऑफ एस इन अ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज जीरो मॉड सिक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड नंबर ऑफ बीस इन अ डब्ल्यू जीरो मॉड सिक्स एट. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, सिक्स इंटू एट फोर्टी एट, फोर्टी एट. वेरी गुड इवनिंग ए बी डब्ल्यूर्स, वेरी गुड इवनिंग. सिक्स इंटू एट फोर्टी एट, वेरी गुड इवनिंग ए बी डब्ल्यूर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. कीजिएगा जल्दी से, ये भी आईआईटी कानपुर में पूछा गया है. सर टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, टेलीग्राम लिंक अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर कर दें ग्रुप पे, अगर किसी के पास है तो प्लीज शेयर कर दीजिए. एबी डिविलियर्स, सरोज आपके पास टेलीग्राम लिंक है तो प्लीज ग्रुप पे शेयर कर दीजिए जल्दी से.
डी एल थ्री ओनली, साहिल दास का आंसर आया, गगन गुप्ता का आया। चलिए चेक करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। L1 क्या है बेटा? L1 है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू, सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार। तो भैया देखिएगा, ये तो स्टैक से भी कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए बी थी स्ट्रिंग, तो ये ए बी होगा, इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा इससे इसको, तो ये तो नहीं है। ये कैसी लैंग्वेज है? सी एस एल, रेगुलर पूछा है इसने। डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू इज रिवर्स, ये कैसा है? सी एफ एल, कल ही हमने देखा था इसका पीडीएफ बनाया था, ठीक है। 0 की पावर 2i, आई इज एन इंटीजर्स, रेगुलर, इससे पहले अभी हमने इसका वो बनाया है 0 की पावर 2n, तीन स्टेट्स बन जाएंगी इसमें, ठीक है। आई इज एन इंटीजर, ठीक, तो ये रेगुलर है। 0 की पावर i स्क्वायर, ये सी एफ एल भी नहीं है, ये सी एस एल है। तो इसमें पूछा है रेगुलर कौन सा है, तो तीन, केवल तीन रेगुलर है, डी रेगुलर है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके आगे कल कंटिन्यू करूंगा, कल आपको 20 से 25 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, कल मतलब 11:30 तक क्लास ले लूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। और संडे को क्लास जो है वो दिन में होगी, संडे को क्लास जो है वो दिन में होगी, ठीक है भैया। तो अभी कोई डाउट है यहां तक तो बताओ प्लीज, कोई टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दो ग्रुप पे। थैंक यू अनन्या, थैंक यू योगेश, टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दो बच्चों के साथ में। एनआईटी जमशेदपुर फॉर एमटेक सीएसई ज्वाइन करें। आशुतोष, पर्सनली मुझसे बात करना, फिर बताऊंगा बेटा, ग्रुप पे नहीं बताऊंगा, पर्सनली मुझसे बात कीजिएगा, फिर बताऊंगा। और कीजिएगा जरूर, कीजिएगा जरूर, ठीक है। आशुतोष, इफ यू वॉन्ट गाइडेंस, आप मुझसे पर्सनली बात कीजिएगा कि आपको एनआईटी जमशेदपुर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए भैया, शुभ रात्रि, जय महाकाल, जय हिंद, जय मां भारती। आशुतोष कीजिएगा जरूर, इफ यू वॉन्ट रियली गाइडेंस तो मुझे